वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नाबार्ड के पार्ट टू में, जिसमें आज के हमारे ये तीन टॉपिक्स हैं। बट मैं उससे पहले आपको बता दूं कि नाबार्ड का पार्ट वन भी आ चुका है, जिसमें कि हमने बात करी थी नाबार्ड और नाबार्ड की सब्सिडीज और नाबार्ड के एसोसिएशंस के ऊपर। बट आज हम बात करेंगे नाबार्ड के दूसरे टॉपिक्स, जैसे कि फंड मैनेज बाय नाबार्ड, यानी कि नाबार्ड को कहां से कितना पैसा मिलता है, जिसमें आज हम उसके करंट अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, करंट में ही हाल में ही नाबार्ड ने कुछ पैसा सैंक्शन किया है गांव के रूरल बैंक्सों को, और कुछ स्कीम के तहत पैसा दिया है, तो आज उन सभी की आज हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे RRBs की, क्योंकि देखिये यहाँ पर RRB समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें RRB नहीं आएगा तो हम PSL पढ़ेंगे, PSL में RRB का काम आएगा, जैसे कि मेरा अगला वीडियो PSL पे रहेगा, तो PSL में हमें RRB क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीड बैंकिंग स्कीम, जिसे आप LBS के नाम से जानते हैं, लीड बैंकिंग स्कीम पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम नाबार्ड के ना सिर्फ स्टैटिक डाटा पे बल्कि आज उसके करेंट पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फंड बाय नाबार्ड की, फंड मैनेज बाय नाबार्ड की, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि नाबार्ड को कितना पैसा कहाँ से मिलता है। तो देखिए, नाबार्ड को 2016 में, यानी कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक फंड बनाया था, जिसका नाम था LTIF, यानी कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जो होता है, ये सिंचाई परियोजनाओं को, जो सिंचाई की योजनाएं हैं गांव में, उनको क्या करता है, सिंचाई के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, सिंचाई के लिए लोन प्रोवाइड कराती है LTIF के थ्रू, यानी कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड के थ्रू। बेसिकली जो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड्स में, तो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 में। ये फंड हमारे बेसिकली 4 साल के लिए बनाया गया था, यानी कि इसका टारगेट था 2016 से लेकर 2020 तक, जिसमें कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंचाई को बेस मानते हुए इस फंड को बेसिकली 2016 से स्टार्ट किया था और 2018 तक। अभी हम बात करेंगे कि कहां कितना फंड दिया गया है। साथ में मैं बता दूं कि ये जो फंड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस फंड को दिया जाता है आपका एट ए टाइम ऑफ बजट के समय पे ही इंट्रोड्यूस किया कर दिया जाता है कि कितना हमारा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड दिया जाएगा। साथ में इस लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि फंड को देने का उद्देश्य क्या है, कि गवर्नमेंट क्यों इतना फंड दे रही है नाबार्ड को, तो उसका उद्देश्य होता है दोस्तों यहाँ पर GDP के लेवल को इंक्रीज करना। अब ये GDP क्या होती है, GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। हम कह सकते हैं कि दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जल, थल, वायु, भूमि, XYZ, जहां जहां हमारी कंट्री की बाउंड्रीज हैं या फिर जहां जहां हमारी कंट्री का फैलाव है, उनसे जो हमें इनकम प्राप्त होती है, कह सकते हैं जो हमें इनकम रिसीव हो रही है, वही कंट्री की GDP होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे कि कई बार हम GDP में कुछ चीजों को भी इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति इंडिया में आके काम कर रहा है, यानी कि जब कोई फॉरनर हमारे इंडिया में आके काम कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो हमारी कंट्री को टैक्स दे रहा होता है, बट लेकिन उसका जो प्रॉफिट और पर्सनल इंटरेस्ट होता है अपनी ओन कंट्री के लिए होता है, तो वो हमारी कंट्री के GDP में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसे हमारी GDP में इंक्लूड भी नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो हमारी कंट्री के GNP यानी कि ग्रॉस नेट प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है, GDP में इंक्लूड नहीं होता है। और दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर जो होता है, ये जो LTIF फंड दिया जाता है, ये प्राइमरी सेक्टर के लिए दिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर, और ये एग्रीकल्चर का सेक्टर तो एकदम डायरेक्ट सोर्स होता है GDP के लेवल का,
और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जितना ज्यादा कंट्री का जीडीपी का लेवल होता है वो कंट्री उतनी ही ज्यादा अच्छी ग्रोथ करती है और उस कंट्री की कंडीशंस भी उतनी ज्यादा अच्छी होती हैं। तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंट्री का जीडीपी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो LTIF के थ्रू पैसा देती है उसका उद्देश्य यही होता है कि हमारी कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज करना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करना, ताकि अगर जीडीपी इंक्रीज होगी, यानी कि कह सकते हैं कि सिंचाई अच्छी होगी। हमारी इंडिया में ना एक रूल चलता है, दैट इज कॉल्ड गुड रेन गुड क्रॉप, बैड रेन बैड क्रॉप। अच्छी वर्षा अच्छी फसल, खराब वर्षा खराब फसल। अगर वर्षा, हम कहीं ना कहीं आज भी किसान वर्षा पे निर्धारित होता है, बट लेकिन हम कहें कि अगर कई बार अच्छी फसल वर्षा नहीं हो पाती, कई बार अच्छी बारिश ना होने की वजह से फसल खराब हो जाती है, तो उसके लिए सिंचाई परियोजना पर हमारी गवर्नमेंट का लगातार बहुत ज्यादा फोकस बना हुआ है। यहाँ पे इसीलिए वो क्या, इस समय पे हमारी गवर्नमेंट LTIF फंड देती है 2016 से, जिसके तहत गांव की सिंचाई योजनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं और साथ में नए प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये हर साल फंड दिया जाता है, एक पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड इरीगेशन, इरीगेशन के नाम पर फंड दिया जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 2016 और 17 में जो पैसा दिया था वो 20,000 करोड़ दिया था, यानी कि जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट करी गई थी वो 20,000 करोड़ की इनिशियल कॉर्पस से स्टार्ट किया गया था, और 2017 और 18 में ये 20,000 करोड़ से बढ़ के आपका 40,000 करोड़ कर दिया गया था, और 2018 और 2019 यानी कि हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में इस साल के बजट में इसका जो विवरण दिया गया वो 40,000 करोड़ का दिया गया। बट दोस्तों अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले इसकी नई गाइडलाइंस चेंज हुई है, और इसमें क्या हुआ है, LTIF फंड को इंक्रीज कर दिया गया, जिसमें अभी मैं करंट में, अभी हम एक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं अभी आपको बता दूंगी कि कितना फंड इंक्रीज किया गया है एक्चुअल में LTIF यानी कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन के लिए। लॉन्ग टर्म इरिगेशन जो है हमारा, ये हमारा अंडर आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, हमारा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ RBI, इसको देती है तो नाबार्ड को देती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे RIDF फंड की तरफ कि RIDF फंड क्या होते हैं। देखिए RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत हमारी भारत की गवर्नमेंट ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में सिक्स वाले फाइनेंशियल ईयर में की थी। यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है गांव का। देखिए नाबार्ड का मतलब ही होता है कि गांव का डेवलपमेंट करना, तो गांव में रूरल एरियाज में जैसे कि सड़क हो गई, जैसे स्कूलिंग हो गया, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब के लिए भी फंड किया जाता है पैसा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल RIDF को घटाया बढ़ा सकती है, जिसमें से कि हमारा करंट में 28,000 करोड़ है, साथ में इसे बढ़ा के 94,000 करोड़ करा जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमारा इनिशियल कॉर्पस जब इसे स्टार्ट किया गया था तो 2000 करोड़ की कैपिटल के साथ RIDF को यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इंक्रीज किया गया, स्टार्टअप किया गया था। बेसिकली इसका मेन फोकस होता है, इसका भी मेन फोकस होता तो जीडीपी के लेवल को बढ़ाना ही है, बट लेकिन ये गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, यानी कि रूरल एरियाज के सेक्टर्स के लिए। कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे इसका मेन फोकस रहता है, अभी हम बात करेंगे। साथ में इसमें करंट में जो 2018 और 19 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था वो 28,000 करोड़ की गई थी, इसे बीच में कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। साथ में एट प्रेजेंट देयर आर 36 एलिजिबल एक्टिविटी अंडर RIDF, यानी कि अभी के समय पे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 36 एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया गया है RIDF के अंदर, जिसमें कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटिव सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटिव सेक्टर। रिलेटेड सेक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर में आता है,
और आपका बी कीपिंग हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब भी हमारे अलग अलग उससे रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं। साथ में इसमें सोशल सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर यानी कि गांव का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड हो गए, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इन सबको सही करने का भी काम यहाँ पर नाबार्ड के आरआईडीएफ फंड के थ्रू किया जाता है। तो आई थिंक आपको सोशल सेक्टर समझ आया होगा। साथ में अब हम बात करते हैं रूरल एक्टिविटीज की। रूरल एक्टिविटीज यानी कि गांव की अलग अलग क्रियाएं, जैसे कि गांव में घर हो गए, हाउसिंग हो गई, इन सब के लिए भी नाबार्ड पैसे को सेंक्शन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है। इसमें कई सारी हमारी योजनाएं भी आ सकती हैं, गाँव का रोजगार है, गाँव के हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स है, गाँव की ट्रेनिंग है, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग है, तो इन सब के लिए भी आरआईडीएफ के द्वारा ही काम किया जाता है। आरआईडीएफ का हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे कि आरआईडीएफ की बात हम पीएसएल में भी करेंगे। अभी हमारा पीएसएल में भी आरआईडीएफ को आगे चल के इसमें कई सारे फंक्शंस हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए एलडीआईएफ जो होता है वो इरिगेशन के लिए किया गया था और 2016 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ये प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत काम करता है। साथ में आरआईडीएफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है हमारा 1995 में। आई होप कि आपको एलटीआईएफ समझ आया होगा। इसके बाद आरआईडीएफ जो होता है, आरआईडीएफ को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा बेसिकली ये फंड दिया जाता है, और जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। तो आई होप दोस्तों आपको जो नाबार्ड का फंड मैनेजमेंट का, फंड मैनेज करने का जो सोर्स है वो समझ आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने कहा था कि अब हम बात करेंगे करंट अपडेट्स पे, यानी कि अभी हमारी फंड मैनेज बाय नाबार्ड को लेकर करंट में 2 या 3 दिन पहले ही नई अपडेट्स आई हैं। तो पहले अभी हम उनके ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद आप आरआरबीज के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर एलडीआईएफ यानी कि लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड में दोस्तों, यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड को, जिसमें कि नाबार्ड ने अप्रूव किया है आपका रुपीज 6,563.93 करोड़ रुपीज, यानी कि 60 ये हमारा जो अमाउंट दिया गया है, इतना पैसा हमारा अप्रूव किया हुआ है हमारा किसके तहत, नाबार्ड ऑफ इंडिया ने एलटीआईएफ के तहत किसके लिए, 93 प्रायोरिटाइज्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि रूरल एरियाज में जो एलटीआईएफ है उसमें टोटल 93 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इरिगेशन के लिए, उसके लिए अभी हाल में ही कुछ पैसा और अप्रूव किया गया, जो कि आपका है 6,563.93 करोड़ रुपीज, जो कि हमारा दिया गया है नाबार्ड के थ्रू दिया गया है हमारे 93 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ में ये बता दूं मैं कि ये जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया है, ये अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दिया गया है। साथ में नाबार्ड फंडिंग द सेंट्रल एंड स्टेट शेयर 99 for PIS, यानी कि प्रायोरिटाइज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरे जो टोटल हमारा जो सेंट्रल एंड स्टेट का जो हमारा रखा गया है कि कहाँ कितना शेयर दिया जाएगा, तो उसमें टोटल 99 प्रोजेक्ट्स को लिया गया, यानी कि 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट को लिया गया, जिसमें से कि अभी 93 प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दी है हाल में। साथ में मैं बता दूं कि 2018 और 19 के बजट में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ईनाम, यानी कि कहने का मतलब है 2018 और 19 के बजट में हमारे देश की गवर्नमेंट ने इनाम को इंट्रोड्यूस किया था। इनाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें किसी भी किसान की फसल को ऑनलाइन बेचा जा सकता है एमएसपी पे। कहने का मतलब है कि एक अच्छे दामों पे फसल को बेचा जा सकता है। बट हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बहुत ज्यादा लोग इनाम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए कि 2022 तक सभी जितने भी हमारे हाट यानी कि जहां फसल को बेचा जाता है, तो उसमें टोटल 22,000 हर्ट को लिया गया है, जिसके तहत 22,000 हर्ट को यहां पर इनाम से कनेक्ट करने की मंजूरी दी गई, जिसमें कि 22,000 हर्ट को इनाम से कनेक्ट करना है। और इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि इसके लिए जो फंड दिया गया है,
इसके लिए टोटल फंड दिया गया है 2000 करोड़ की इनिशियल कॉर्पस के साथ इसे स्टार्ट किया गया है और इस फंड का नाम है रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत 2018 में करी गई है। जिस फंड के तहत ये फंड हमारा 2022 तक का फंड है, इसमें आरएडीएफ यानी कि रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, इस फंड के तहत हमारा क्या करना है, इस फंड के तहत 22,000 हर्ट्स को कनेक्ट करना है इनाम के साथ, जिसमें कि अभी हमारे 400 समथिंग अभी करंट में किए जा चुके हैं और धीरे धीरे इस पे प्रोजेक्ट हमारा जारी है। साथ में अगर हम बात करेंगे कि लार्जेस्ट इरिगेशन प्लांट यानी कि एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है तमिलनाडु में, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा दिया, यानी कि जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने भी लोन सैंक्शन किया है आपका $318 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पहला हमारा कि अभी नाबार्ड ने करंट में कितना पैसा इंक्रीज कर दिया है LTIF के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और PIS आपका जो प्रायोरिटाइज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं इसके तहत PIP ये जो PIP है हमारा, इसके तहत कितने प्रोजेक्ट्स में पैसा दिया गया है, तो 93 प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया। टोटल हमारे सेक्टर कितने हैं, ये तो टोटल सेक्टर 99 सेक्टर्स हैं। साथ में मैं बता दूं कि 2018 और 19 में इनाम को इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो 2018 में किया गया है। साथ में इनाम के फुलफॉर्म भी यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दोस्तों। और एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट जो कि है कि सबसे बड़ा इरिगेशन प्लांट कहाँ पे बन रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा इरिगेशन प्लांट हमारे तमिलनाडु में बन रहा है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $318 मिलियन का भी लोन दिया है। आई होप कि आपको यहाँ पे करेंट अपडेट समझ आई होंगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे RRBs की। RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक को अगर हम हिंदी में बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, देखिए जो ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं इनमें सबसे बड़ी खासियत कि ये गांवों में पाए जाते हैं, दूसरा कि ये अपने ही रीजन के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब है अपने ही पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करते हैं RRBs। RRBs जो होते हैं हमारे कह सकते हैं कि अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करते हैं। साथ में ये जैसे हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक पूरे पैन इंडिया में काम करते हैं, बट RRBs सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि RRB का जो एक्ट बना था वो 1976 में, और भारत की पहली RRB देखिए एक्ट इसका बाद में बना था, RRB पहले स्टार्ट हो गई थी। कुछ प्रॉब्लम्स रही थी जैसे कि इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी, साथ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से RRB इसका जो एक्ट आया था वो थोड़ा बाद में आया। साथ में मैं बता दूं कि यहाँ पर RRB जो पहली RRB बनी थी उसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक भारत की पहली RRB थी जो कि मुरादाबाद में खुली थी। साथ में ये जो RRB थी इसे स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। अब ये स्पॉन्सर्ड क्या होता है, स्पॉन्सर कहने का मतलब है भाई देखिए जब भी कोई RRB खुलती है या जब भी कोई RRB बनती है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल के लिए। कहने का मतलब है एक RRB को खोलने के लिए जो शेयर कैपिटल की जरूरत होती है उसमें तीन लोगों का शेयर कैपिटल लगता है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 50% की शेयर कैपिटल लगाती है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट उसमें आपका 15% की शेयर कैपिटल लगाती है, और स्पॉन्सर बैंक 35% की शेयर कैपिटल लगाती है। यानी कि स्पॉन्सर बैंक का एक RRB को खोलने के लिए 35% पैसा लगवाया जाता है। यहाँ पर उसी के चलते विदाउट स्पॉन्सर बैंक कोई भी RRB ओपन नहीं हो सकती। तो RRB जब प्रथमा ग्रामीण बैंक खुली थी तो उस समय पे सिंडिकेट बैंक ने प्रथमा ग्रामीण बैंक को सपोर्ट किया था और वहां पर 35% की शेयर कैपिटल लगाई। साथ में जब स्टार्टिंग में जब हमारा RRB खुला था तो ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स में खुली थी। पहली आपकी मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर और आपका मालदा और भिवानी। गोरखपुर पड़ता है यूपी के अंदर, जयपुर पड़ता है हमारा राजस्थान में, भिवानी हरियाणा में पड़ती है, मालदा वेस्ट बंगाल में और मुरादाबाद यूपी में। ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में RRB खुली थी। स्टार्टिंग में RRB को खोला जब किया था तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में खुली थी। साथ में ही करंट में जो RRBs की संख्या है वो 56 RRBs है इन करंट,
और साथ में पीएसएल का जो करंट में टारगेट है आरआरबी को लेके। देखिए हम अपनी अगली वीडियो में पीएसएल पे बात करेंगे, तो पीएसएल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हमें आरआरबी आना चाहिए था, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आरआरबी को डिस्कस किया है। पीएसएल का जो टारगेट है आरआरबीज के लिए वो 75% ऑफ एएनबीसी ऑफ देयर एएनबीसी। एएनबीसी क्या होता है? एएनबीसी को वैसे हम लोग पीएसएल में कंप्लीट करेंगे, बट मैं यहाँ छोटा सा आपको बता देती हूँ। एएनबीसी होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का मतलब होता है कि एक साल की कोई भी बैंक अपना कितना पैसा लोन में देना चाह रही है। मान लीजिए किसी बैंक ने डिसाइड किया कि वो अपने 100 रुपए लोन में देना चाहती है, जिसमें से कि 50 रुपए किसी सेक्टर पे और 50 रुपए अनदर सेक्टर पे, तो वो क्या कर रही है, 100 रुपए का टोटल लोन देना चाह रही है ना, तो 100 रुपए उसकी एएनबीसी होगी। तो जितना भी आरआरबी पैसा लोन में देना चाहती है उसी को कहा जाता है एएनबीसी। तो हर आरआरबी को अपनी एएनबीसी का 75% पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना कंपलसरी होता है। तो गाइस आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आया होगा आरआरबी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लीड बैंक स्कीम्स पे। लीड बैंक स्कीम क्या होती है? देखिए लीड बैंक स्कीम जो होती है इसको इंट्रोड्यूस भारत में किया गया था 1969 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा। साथ में लीड बैंक को स्कीम के लिए जो रिकमेंडेशन कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था वो नरीमन और गाडगिल कमेटी ने आपकी लीड बैंकिंग स्कीम की क्या की थी, लीड बैंकिंग स्कीम को रिकमेंड किया था। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि लीड बैंकिंग स्कीम होता क्या है। बेसिकली लीड बैंकिंग स्कीम जो होते हैं ये स्पेशल तरह के लीड बैंक्स होते हैं। लीड बैंक को 1969 में आरबीआई ने ये रूल्स दिए थे। देखिए हमारी इंडिया में क्या हो रहा था कि छोटे बैंक और ज्यादा छोटे होते जा रहे थे, बड़े बैंक बड़े होते जा रहे थे, क्योंकि लोग ज्यादातर बड़े बैंकों से लोन लेना पसंद करते थे। गांव के रूरल बैंक इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, तो भारत में लीड बैंकिंग स्कीम लेके आई गई। लीड बैंकिंग स्कीम क्या करती है, ये अपने अंडर कुछ बैंकों को ले लेती है और उन बैंकों का परिचय, उन बैंकों पे को अच्छे से काम कराना, उन बैंकों के साथ मिलकर काम करना, उन बैंकों के लिए उन बैंकों की टाइम टू टाइम जांच पड़ताल करते रहना, साथ में बैंकों के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस को ढूंढना जो हमारे बैंकिंग के अंदर नहीं है, और कह सकते हैं कि बैंकों के लिए रिसर्च करना या फिर बैंकों को किस सेक्टर में कैसे लोन देना चाहिए ये सब बताना, कह सकते हैं बैंकों की ट्रेनिंग कराना, ये सब लीड बैंक का काम होता है। लीड बैंक क्या करती है, जैसे दोस्तों एक टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को क्या कर लेता है, एक तरह से लीड कर लेता है ना, वो बताता है कि आपको क्या करना है या कैसे करना है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, या आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपका कितना सिलेबस है, ये सब हमारा एक टीचर बताता है अपने स्टूडेंट को। वैसे ही लीड बैंक स्कीम भी निकाली गई थी कि बेसिकली इसमें क्या गया था कि कुछ बैंकों का एक लीड बैंक बना दिया गया। अब वो लीड बैंक क्या करता कि जितने भी बैंक हुआ करते थे उसके अंडर में उन बैंकों को कैसे काम करवाना है, या उस बैंकों को ऐसे रिसोर्सेस की का पता लगाना, ऐसे रिसोर्सेस की खोज करना जो रिसोर्सेस बैंकों में नहीं है, उन रिसोर्सेस को क्या करना, अवगत कराना बैंकों से, साथ में बैंकों का टारगेट पूरे करवाना, समय समय पर बैंकों की रिपोर्ट लेते रहना, ये सभी काम हुआ करते हैं लीड बैंक स्कीम के। देखिए भारत में ज्यादातर लीड बैंक स्कीम का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था ये रूरल एरियाज के लिए बनाया गया था, और सबसे ज्यादा लीड बैंक्स जो है हमारी रूरल एरियाज में ही है। मैं आपको बता दूं कि हर किसी बैंक ने, जब लीड बैंक स्टार्टिंग में आई थी तो हर कमर्शियल बैंक ने लीड बैंक को ले लिया था। कहने का मतलब है हर कमर्शियल बैंक ने किसी न किसी बैंक को अपने अंडर में ले लिया था एज अ लीड बैंक। पर लेकिन कुछ ऐसे बैंक थे जो रूरल एरियाज में, जो बहुत ही छोटे बैंक थे, उन बैंकों को किसी ने अपने अंडर में नहीं लिया था। तो लीड बैंक के स्कीम के तहत आरबीआई ने ये रूल रेगुलेशन दिए कि जिस बैंक को किसी बैंक ने अपने अंडर नहीं लिया, जिस बैंक का कोई भी लीड बैंक नहीं है उसका लीड बैंक बनेगी एसबीआई। तो कहने का मतलब है जिसका कोई नहीं है उसका एसबीआई है। यहाँ पर लीड बैंक जो है, अगर जिस भी बैंक का कोई भी बैंक लीड बैंक नहीं है रूरल एरियाज की, तो उन सभी बैंकों के लिए एज अ लीड बैंक काम करता है एसबीआई। ये क्या करते हैं, उसको रूल रेगुलेशन देते हैं कैसे काम करते हैं, जैसे कि अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया ही था। तो लीड बैंकिंग स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको LTIF और LTIS से जुड़े करंट अपडेट्स और साथ में आरआरबी एंड लीड बैंकिंग भी समझ आई होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया है तो दोस्तों
इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियो में हम पीएसएल की बात करेंगे, तो प्लीज आपको अगर पीएसएल अच्छे से करना है तो उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो पीएसएल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आज चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। और हाँ, एक और बात कि हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स लेने के लिए आपको अपना बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपको समझ ही आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।